दोस्तों, किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा, दिन में पढ़ाई करूं या रात में। अगर आप एक स्टूडेंट हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो बस आपके लिए ही है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, जिसमें मैं एक रिसर्च के अनुसार बताऊँगा कि आपको दिन में पढ़ना चाहिए या रात में। पीएसबी एकेडमी के आर्टिकल के अनुसार पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का है और शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक का है। और पढ़ाई करने का सबसे बेकार समय है सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपको इसी समय पढ़ाई करना चाहिए। आपको कब पढ़ाई करना चाहिए यह जानने के लिए इस वीडियो को आगे देखो। सुबह में पढ़ाई करने के बेनिफिट्स हैं कि जब आप सोकर उठते हो तब आपका माइंड एकदम रिफ्रेश होता है, और उस समय अगर आप पढ़ते हो तो आपकी रिमेम्बरिंग पावर बढ़ जाती है, आपको चीज़ें जल्दी समझ में आने लग जाती हैं। उसके बाद नेचुरल लाइट होने की वजह से आपकी आंखों में स्ट्रेस भी नहीं होता है और आप पढ़ाई करते समय अलर्ट रहते हो। और आप जानते ही हो कि जब आपको स्ट्रेस कम होगा तब आपको चीज़ें देर तक याद रहती हैं। मॉर्निंग में आपकी रिकलेक्शन एबिलिटी बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि आपको एक दिन पहले की भी चीज़ें याद आने लगती है। जो पढ़ाई आपने एक दिन पहले की होगी वह भी आपको याद आने लगती है, और सुबह के समय ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़कर याद रख सकते हो क्योंकि आपकी याद करने की काबिलियत बढ़ जाती है। सुबह के समय आप अपने किसी फ्रेंड को या अपने टीचर को कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हो, या फिर अगर घर में शोर हो रहा हो तो आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई कर सकते हो। आप जानते हैं कि रात में पढ़ाई करने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, हर किसी का ब्रेन फंक्शन अलग अलग तरह से काम करता है। अगर आपको रात में जल्दी से नींद नहीं आती है तो आप रात में पढ़ाई कर सकते हो। रात के माहौल में इतनी शांति होती है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को याद रख सकते हो। रात के समय में कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, इसलिए आपको पढ़ाई करते समय डिस्टर्ब भी नहीं होगा। एक स्टडी के अनुसार यह माना जाता है कि जब आप पढ़ाई करके नींद लेते हो तब आपकी रिकॉल पावर बढ़ जाती है। इसका मतलब कि आप उस टॉपिक को बड़ी आसानी से रिकॉल कर सकते हो जिस टॉपिक को आपने रात में पढ़ाई करके कवर किया था। लेकिन साथ के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप 8 से 9 घंटे की नींद ले रहे हो, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो इससे आपकी पढ़ाई पर फर्क पड़ेगा। एक रिसर्च के अनुसार यह माना जाता है कि जब आप बहुत थकने के बाद किसी टॉपिक या स्किल को याद रखने की कोशिश करते हो तब वह टॉपिक या स्किल बड़ी आसानी से आपको याद हो जाता है, और इसको कहते हैं स्लीप लर्निंग। क्योंकि जब दिमाग बुरी तरह से थक जाता है तब वह बेहतरीन तरीके से काम करने लग जाता है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि आपको कब पढ़ाई करनी चाहिए, दिन में या रात में। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका दिमाग सबसे ज़्यादा अलर्ट दिन में रहता है या रात में। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि आपको चीज़ें याद रखने में आसानी कब होती है। प्रैक्टिस के साथ आप समझ जाओगे कि आपको दिन के कौन से समय में पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद आपको यह देखना है कि आपकी डिस्ट्रैक्शन सबसे कम किस समय में होती है। अगर दिन के समय में आप बहुत डिस्टर्ब रहते हो तब आपको रात का समय पढ़ाई के लिए चुनना होगा। इसके लिए आपको अपने दिन भर का रूटीन समझना होगा और आप आसानी से पता लगा सकते हो कि आपको कब पढ़ाई करनी चाहिए। हर स्टूडेंट का एक पीक लर्निंग टाइम होता है, जिस समय में उसको चीज़ें बहुत तेज़ी से समझ में आने लगती हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की क्षमता होती है, और आप इस स्किल को डेवलप कर सकते हो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके। आपको एक हफ्ते या दो हफ्ते तक कंसिस्टेंटली दिन में या रात में पढ़ाई करके देखना होगा कि आपका पढ़ाई करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। हर स्टूडेंट की एक यूनिक लर्निंग स्टाइल होती है और हर स्टूडेंट का ब्रेन एक अलग तरीके से काम करता है, इसलिए किसी की बातों में कभी मत आना। अगर आपको कोई बोलता है कि आपको दिन में पढ़ाई करना चाहिए या फिर आपको कोई बोलता है कि आपको रात में पढ़ाई करनी चाहिए, किसी की बात बिल्कुल मत सुनना। अपने दिन को अच्छे से प्लान करके आप अपनी एक स्टडी रूटीन बनाओ, और जब आपको लगे कि आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करने लग गए हो तब वही आपकी पढ़ाई करने के लिए बेस्ट टाइम है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाते रहता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूँगा। टेक केयर।